ये धन्यवाद करें, ठीक है, चलिए तो प्रस्ताव लाएंगे तो हम वॉकआउट करेंगे। ठीक, आप गोगा जी, गोगी जी, गोगी जी, चलिए ठीक है, ना करो धन्यवाद, ना करो, मैं करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, अरे मैं करता हूँ, वो आपका धन्यवाद कर रहे हैं, वो आपका धन्यवाद कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन के सभी सदस्यों का आपके माध्यम से और एक परिवार के नाते से, ये पूरा परिवार सदन का, इनका सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस सदन का नेतृत्व करने का मौका मुझे 9 साल 4.5 महीने ये मुझे मिला है, और मैं समझता हूं कि मुझे याद है वो दिन जब सदन के नेता के नाते जब शुरू शुरू में काम संभाला था, सब लोगों ने कहा कि अनुभव नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तो मैंने माना था ठीक है, नया आदमी होता है उसको अनुभव नहीं होता है, ठीक है, उसमें कोई कटाक्ष भी चले और बातें चली, वो एक राजनीतिक बातें जो चलती हैं, लेकिन एक फैक्ट वो ये है कि मैं कुछ दिन बाद जैसे कर्सी से जाते तो प्रधानमंत्री जी के पास गया, मैंने कहा आपने ऐसा एक विषय बनाया, योजना बनाई कि मैं सदन का नेता हो गया लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते हमारा तो कोई अनुभव है नहीं, आप क्या ऐसा कर सकते हैं किसी प्रदेश के जो पुराने मुख्यमंत्री हैं या पूर्व मुख्यमंत्री हैं साथ मेरे जोड़ देंगे तो कुछ कठिनाइयां आती हैं, उनसे पूछ लेंगे, बातचीत कर लेंगे। तो उन्होंने दो बातें मुझे कही, एक बात कही कि देखिए आप तो मुख्यमंत्री बने हैं विधायक बन करके, और मैं मुख्यमंत्री बना था, उन्होंने अपने बारे में कहा कि उस समय विधायक भी नहीं था और उसके बिना ही मुख्यमंत्री बन गया, जैसे आज हमारे श्री नायब सिंह सैनी जी बने। तो दूसरी बात उन्होंने और कही बड़ी महत्वपूर्ण, उनका देखिए काम करते हुए जब आदमी मुख्यमंत्री बनता है उनके अपने अनुभव उन्होंने बताया, कुछ बातें तो जब आप जनता में जाएंगे जनता सिखा देगी कि सदन में क्या करना है, बताएंगे सदन में हमारी बात ये रखो ये रखो ये रखो, कुछ पर जो अधिकारी हैं आखिर बहुत सारे अधिकारी उनके साथ काम करना पड़ता है, उनकी ओर से भी जाएगा वो सिखा देंगे, और जो बाकी बात बच जाएगी वो विधानसभा का सत्र है, विपक्ष वाले बता देंगे, सिखा देंगे, सब मुख्यमंत्री क्या करना होता है वो बता देंगे। तो उस नाते से मैं पिछले 9.5 वर्ष में मैं ईमान के चलता हूं कि सभी सदस्यों ने चाहे वो सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो मुझे तराशने का जो काम किया मुझे इस लेवल पर लेकर के आया, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। सदन में बहुत ऐसे उतार चढ़ाव भी आए, जैसे हम देखते हैं कि 2 बार अविश्वास प्रस्ताव आया, आज तो चलो नई सरकार बनी है उसके प्रति विश्वास मत वो प्राप्त किया, वो एक अलग है, उससे पहले भी प्रदेश में कई प्रकार की ऐसी बातें घटनाएं सब हुई, 2-3 बाय इलेक्शन भी आए, तो उस प्रकार से सारे उतार चढ़ाव किए, लेकिन मैंने हमेशा चाहे सदन के माननीय सदस्य हो और चाहे पूरा हरियाणा हो, हरियाणा की आज 2,82,50,000 के लगभग कुल सदस्य हैं, अब तो हमारे पास डेली आंकड़ा भी जो एक सिस्टम बनाया हमने परिवार पहचान पत्र का उससे मिल जाता है कि हर दिन नया आंकड़ा उसमें कितना जुड़ गया कितना घट गया, तो हमारी ये आबादी है, हमारे लगभग 71 लाख परिवार है। हमारे मन में था कि ऐसे परिवारों का पूरे एक परिवार के नाते से उनको मान करके उनकी सेवा की जाए, सत्ता को भोगने की बजाय सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया जाए, वो हमने सारे काम किए। आखिर समाज जीवन के अंदर बहुत कठिनाइयां आती हैं, सरकार से अपेक्षा बहुत होती है, बहुत सरकार की अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं कभी नहीं हो पाती हैं, तो एक अंडरलाइन सिद्धांत ये बनाया कि व्यक्ति की बजाय सिस्टम्स को महत्व दिया जाए, व्यक्तियों को उनकी भूमिका होती है, व्यक्तियों के बिना सिस्टम भी नहीं चलते, लेकिन सिस्टम पर वेल करेंगे तो समाज में ठीक मैसेज जाएगा। फिर उन सिस्टम में बहुत सी नीतियां बहुत से ऐसे विषय बनाए जिनका विरोध भी हुआ जिनका समर्थन भी हुआ जिनका जनता को लाभ भी हुआ, फिर परिवार पहचान पत्र की बात आई, कभी फैमिली कभी प्रॉपर्टी आईडी की बात आई, कभी मेरा फसल मेरा ब्यौरा इसकी बात आई, कभी ई भूमि की बात आई, तो हमने सारे टेक्नोलॉजी के सारे सारे काम किए। मैं मान के चलता हूं कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान आज की दुनिया में है, बिना टेक्नोलॉजी के मैन मेड सिस्टम से ह्यूमन इंटरफेस से चीजें चलती तो रहती हैं लेकिन उसमें बहुत सुधार आने की संभावना नहीं होती। हमने भरपूर काम किया, हमारे
ब्यूरोक्रेसी ने भी उसमें पूरा सहयोग किया और आज हमारे बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो न केवल प्रदेश में बल्कि दूसरे प्रदेश भी उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इस नाते से अपनी ब्यूरोक्रेसी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इससे में सहयोग करके इस काम को आगे बनाने में काम किया। पूरे हरियाणा को एक इकाई मानने के लिए 2014 के चुनाव में मैंने हरियाणा एक हरियाणवी एक ये बात कही थी कि हम हरियाणा के लोग, ठीक है मतभेद हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, एक अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन अगर सब हरियाणा के लोग हरियाणवी का भाव मन में लेके चलेंगे और ये जो एक पेटी पॉलिटिक्स जो होती है खास करके उसमें जातिगत पॉलिटिक्स जरूर कहूंगा उसके कारण से सारा देश और दुनिया भी कई बार उसमें लगी रहती है और हमारे यहाँ खत्म हो गया ऐसा नहीं है, कितना हम कम कर सकते हैं उस ओर मैंने कदम आगे बढ़ाया और हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात मैंने कही उसका भी मुझे एक बहुत बड़ा जनता ने जो श्रेय दिया लाभ मिला। हमने सदन को चलाते समय सदन के सदस्यों के सुझाव भी लिए, चाहे बजट सेशन हो चाहे आगे पीछे, कोशिश किया कि हर सुझाव का कोई ना कोई जवाब या तो जो उसी समय सदन पर के पटल पर दिया जाए नहीं तो बाद में अधिकारी उसका डिमांड्स है जवाब है सबको नोट करके जितना मैक्सिमम उसका दे सकते हैं दे। जनता से सीधी बातें पूछने के लिए भी हमने कुछ सिस्टम बनाए, चाहे वो ग्राम दर्शन है चाहे वो नगर दर्शन है चाहे वो जनसंवाद का हमारा पोर्टल बना है चाहे वो सीएम विंडो है, ऐसी सब बातें लाखों की संख्या में हमारे पास आए, जितना ज्यादा ज्यादा संभव हुआ उसको मैंने स्वयं उसको रिव्यू करता रहा समय समय पर कि कितनी बातें हमने जनता के नाते से उनको ठीक की है। सदन के अंदर भी हमारे जो सिस्टम में आपकी परमिशन से हमने सदन के पहले दो सत्र होते थे साल में, तीन सत्र शुरू किए और तीनों चल रहे हैं लगातार, दसवां साल है अभी भी चल रहे हैं और उसके अंदर बैठकें भी पहले की अपेक्षा ज्यादा की ताकि ज्यादातर लोगों को उसमें लाभ मिले, बोलने का चर्चा करने का मौका मिले और एक विधानसभा का माहौल, हम पड़ोस की विधानसभा का देखते हैं इसी भवन में है, किस प्रकार से आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं लेकिन हमेशा एक दूसरे को सुनने का, एक दूसरे को यानी एक प्रकार से महत्व देने का हमारा काम ये है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपके दिशा निर्देश से हमारे बाकी जो टीम है जो संचालन करती है उसके सबके दिशा निर्देश से एक सदन का माहौल भी बड़ा अच्छा चला है और इसी प्रकार बजट के अंदर उसमें जो विभिन्न प्रकार की समितियां ये बनाई गई उन समितियों का भी अपना एक रोल रहा है। ये ठीक है समय कई बार उसी समय तो सुझाव आते हैं उसको उस समय शायद ध्यान नहीं कर पाते, अगले जब काम कोई भी बजट होता है या अगले बार का सेशन होता है उसके अंदर उनको लागू करने का पूरा प्रयत्न रहता है। एक बार तो मैंने एक एक सुझाव को नाम लेकर के भी ये सुझाव अमुक हमारे सदन माननीय सदस्य ने दिया ये अमुक ने दिया, क्योंकि पहली बार हमने तीन दिन पहले बजट सेशन से एक सप्ताह पहले ही कर लिया था ताकि उसको एडजस्ट करने में हमको लाभ हुआ था। कई बार बीच में जो सुझाव आता तो कठिनाई होती है उसको एडजस्ट करने में, वो भी हमने सब किया। इस सदन के इस भवन में विधानसभा के भवन में जैसा हमने संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण करके और बाबा साहब संविधान के प्रति जो उनकी एक उनका योगदान है उसको हम याद करते हुए वो भी हमने काम किया है। आपने जैसा गीता जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के कार्यक्रम को हम देशभर मना रहे हैं, इस परिसर में भी श्रीमद् भगवद गीता का संदेश वो हमारे लिए प्रेरणा का विषय बने उसके लिए भी हमने अलग से स्थान मुकर करके और वह सारा काम किया है। विधानसभा को डिजिटल किया, आपने बहुत बड़ा एक इसमें काम किया है उसके लिए भी सरकार ने पूरा समर्थन और विधानसभा को दिया है। एक बार तो सामूहिक दोनों पंजाब और हरियाणा विधानसभा का इकट्ठा जो सत्र हुआ सेशन हुआ श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश दिवस पर 6 नवंबर 2022 को बहुत बड़ी उपलब्धि है। सदन में ही जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज का भी प्रवचन ये यहाँ हुआ वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक और एक बड़ी बात, हमने जो एक सदन के अंदर अभी एक जो गीत का प्रारंभ किया है एक अच्छा हरियाणा का एक राज्य गीत बने इसकी शुरुआत हुई है, भले उसको फाइनल करने के लिए अगले सेशन के सत्र में हो जाएगा उसका गायन आदि किया जा रहा है, लेकिन अच्छी परंपरा ये शुरू की है इसके लिए भी मैं सदन के सभी सदस्यों का बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज काम गिराने के लिए तो ठीक है कि जो हमारा विश्वास प्रस्ताव उसमें आलोचना या किसान काम गिराना वो एक प्रथा होती है वो सब किया है और उसका तो मैं बहुत गिनाऊंगा नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर करूंगा कि पारदर्शिता के मामले में
हमने कदम आगे बढ़ाया है कि जो कुछ हम करते हैं वो जनता को पता लगे। ठीक करते हैं, गलत करते हैं, गलत करेंगे तो सुझाव आएंगे ठीक करने के लिए, सब तरफ से वो सब आते हैं, उसको हम ठीक करने की कोशिश भी करते हैं, वो भी हमने सब किया है। और मैं तो अभी कह सकता हूं कि एक 9 साल 4.5 महीने सदन के नेता के माध्यम से जो सेवा की है, आज नई भूमिका जो भी मेरी रहेगी, संगठन जैसा तय करेगा, उस नाते से हरियाणा की जनता की सेवा, यानी आखिरी जो सांस होती है उस आखिरी सांस तक मैं करता रहूंगा, और संकल्प अंत्योदय का जो संकल्प है उसको लेकर के आगे चलते रहेंगे। पद का परिवर्तन, परिवर्तन जीवन का एक हिस्सा है, बिना परिवर्तन के जीवन लगातार चलता नहीं रहता है। तो परिवर्तन तो बहुत समय होते हैं, कोई किसी रूप में होता है, कोई किसी रूप में होता है, कभी जीवन में चलते हैं मोड़ आते हैं, यानी मोड़ आ जाए तो मुड़ना पड़ता है, इसे रास्ता बदलना नहीं कहते हैं। मोड़ आता मुड़ना पड़ता, तो इसलिए अगर कोई अच्छाई के लिए को काम किया जाता है उसको कभी भी किसी और दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो हम तो हमेशा हम होंगे, हम ना होंगे, कोई हमसा होगा वो हमारे नायब सैनी जैसा होगा। आखिर तो इस सदन के नेता के नाते से हमने मिलकर काम करना है। मैं इतनी बात कहूंगा कि आज से पहले भी हमारे इस कार्यकाल में 3 उपचुनाव हुए। जब उपचुनाव होता है तो कोई ना कोई विधानसभा की सीट खाली होती है, तभी वो उपचुनाव आता है। और जब जब उपचुनाव जहां आए, मैंने हमेशा वहां जाके कहा कि भले ही कुछ दिन के लिए आपके यहां विधायक कोई और नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के नाते मेरा ये दायित्व है कि उस विधानसभा की देखरेख जब तक नई व्यवस्था नहीं बन जाती तब तक मैं करूंगा, और एक दायित्व है उस नाते से मैं करता हूं। अब एक विषय और जो मैं सदन के सामने आज मैंने जनता की सेवा करते हुए एक विधानसभा का चुनाव किया, करनाल के लोगों ने मुझे भारी मतों से पहली बार भी और दूसरी बार भी चुनाव के भेजा। दायित्व के नाते जो मेरा काम था विधायक के नाते वो मैंने वहां किया, ठीक है, पूरे हरियाणा का एक समान विकास होने के नाते ही किया, कभी मैंने अलग से तरजीह बहुत नहीं दी है, मैंने पहले घोषणा भी की थी। अब आगे भी, आज तो मैं इस समय मुख्यमंत्री नहीं हूं, वहां का विधायक जरूर हूं, लेकिन चूंकि काम को और सुचारू ढंग से बढ़ाना है, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी क्योंकि अभी ये तो चुनाव नहीं लड़े हैं, अब चुनाव नहीं लड़े हैं तो इनको भी किसी प्रदेश की किसी जगह की सेवा करने का मौका मिले, तो मैं इस सदन के सामने मैं एक मान सदन के सामने घोषणा करता हूं कि मैं आज करनाल विधानसभा से त्याग पत्र देता हूं। आज से करनाल की विधानसभा की देखरेख हमारे नए नेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी ये उसकी देखरेख करें, और मेरे जिम्मे संगठन की ओर से जो कार्य लगेगा उसका आयोजन करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष महोदय, एक शेर में ही सुना दूं। अध्यक्ष महोदय, श्री मनोहर लाल खट्टर जी पूर्व मुख्यमंत्री ने सारे सदन का धन्यवाद किया, 9.5 साल ये मुख्यमंत्री रहे, और मैं भी 9.5 साल विपक्ष में रहा। अस्मत, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, फ्लोर टेस्ट में ध्वनि मत से प्रस्ताव जो है वो पास हुआ है, हरियाणा की जनता का विश्वास भी हमारे साथ है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा। सीएम नायब सैनी ने सदन का आभार भी जताया, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सदन का आभार जताया, एक छोटे कार्यकर्ता को सीएम बनाया है, मुख्यमंत्री ने कहा, एक छोटे से कार्यकर्ता को सीएम बनाया, छोटा कार्यकर्ता सीएम उसका बनना बीजेपी में ही संभव है।